चेनसॉ मैन, चेनसॉ मैन। आई होप तुम लोगों ने अभी तक चेनसॉ मैन देख ही लिया होगा। क्या कह रहे हो, चेनसॉ मैन अभी तक नहीं देखा? बक साला अभी चेनसॉ मैन देख क्या, फिर बाद में इस वीडियो को देखने के लिए चल। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, इस वीडियो को छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में कोई स्पॉइलर नहीं होने वाले और मैं सिर्फ चेनसॉ मैन के एपिसोड 1 के बारे में बात करूंगा। तो यार चलो चेनसॉ मैन के बारे में बात करते हैं। चेनसॉ मैन का पहला एपिसोड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हाय चेनसॉ मैन का पहला एपिसोड। जब तुम लोग चेनसॉ मैन का पहला एपिसोड स्टार्ट करते हो तब उसके अंदर तुम लोग सबसे पहली चीज क्या देखते हो? ये तो भाई सब लोगों ने नोटिस किया होगा, लेकिन नहीं, जो मापा स्टूडियोज के फैन है वो सबसे पहली चीज नोटिस क्या करेंगे? एनिमेशन। भाई चेनसॉ मैन की एनिमेशन क्या नेक्स्ट लेवल एनिमेशन की है, और इससे पता चलता है कि चेनसॉ मैन हाई बजट वाला एनिमे है क्योंकि मापा स्टूडियोज ने इस एनिमे के ऊपर बजट की तो कोई कमी नहीं छोड़ी। भाई कहां-कहां पे ये एनिमे पता नहीं कब सीजी हो जाता है और कब बूढ़ी हो जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये एनिमे इतना फ्लो में चलता है ना, जैसे एक शांत पानी के ऊपर एक कागज की बोट तैरती है ना, वैसे ही भाई इस एनिमे का पहला एपिसोड चलता है। तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कहां सीजी में स्विच होता है और कहां 2D में स्विच होता है। भाई सच में बहुत अच्छा काम किया है मापा स्टूडियोज ने इस एनिमे के ऊपर, और जितना मुझे उम्मीद थी ना, जितना मैंने सोचा था कि मापा स्टूडियोज इसको ऐसा बनाएगी, मापा स्टूडियोज ने उससे ज्यादा ही चीज दी है। और सच में इसको देख के भाई मैं बता सकता हूँ कि तो है भाई मापा स्टूडियोज के अंदर बात, जो मापा स्टूडियोज इतने धमाकेदार एनिमे क्रिएट करता है, जुजुत्सु कायसन, अटैक ऑन टाइटन और अब चेनसॉ मैन। भाई इन तीनों का ही एनिमेशन, ये जितने ही तीन एनिमे है ना मेरे फेवरेट एनिमेज में से एक है। और अब तुम बोलोगे चेनसॉ मैन तो यार अभी अभी आया, वो तेरा फेवरेट एनिमे कैसे हो गया? क्योंकि यार देखो मैंने चेनसॉ मैन की मांगा पूरी पढ़ी है, मैंने चेनसॉ मैन के जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर पढ़े हैं, और चेनसॉ मैन का भी पार्ट 2 चल रहा है, मैंने पार्ट 2 भी पढ़ा है। और अगर मैं स्पॉइलर देना चाहूँ तो मैं इस वीडियो में स्पॉइलर्स भी दे सकता हूँ। क्या दू, क्या स्पॉइलर्स चाहिए तुम्हें? स्पॉइलर्स दू? नहीं मैं ऐसे बुरे काम नहीं करता, मैं तुम लोगों को स्पॉइलर्स नहीं दूंगा, बस इस वीडियो में चेनसॉ मैन के बारे में बात ही करूंगा। तो चेनसॉ मैन की जो स्टोरी है भाई, पहले एपिसोड के हिसाब से तो जो देखा है मैंने भाई वो देख के बहुत मजा आया। सबसे पहली चीज ओपनिंग, ओपनिंग भाई जो है वो चेनसॉ मैन की बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ओपनिंग है। अगर तुम लोगों ने चेनसॉ मैन की ओपनिंग देखी है, जो चेनसॉ मैन का गाना है केक बैक, भाई वो काफी ज्यादा जबरदस्त गाना है। अभी भी वो गाना मेरे कानों में ऐसे बज रहा है ना, केक बैक का गाना। भाई चेनसॉ मैन की ओपनिंग बहुत जबरदस्त थी, और अगर तुम लोगों ने चेनसॉ मैन की ओपनिंग देखी है तो भाई तुम लोगों को काफी सारे मूवीज के रेफरेंस मिल जाएंगे इस सीन के अंदर। और यही होता है भाई जब एक परफेक्ट ऑथर और प्रोडक्शन कंपनी साथ में मिल जाती है और कुछ बिग माइंडेड लोग कुछ बड़े आइडियाज के साथ कुछ कमाल चीजें करने की कोशिश करते हैं ना, तब ऐसा ही रिजल्ट सामने निकल के आता है और ऐसी चीज बनती है, ऐसी धमाकेदार चीज। और ऐसी धमाकेदार चीज सिर्फ साल में एक बार ही बनती है, दोबारा नहीं बनेगी। और अभी तक तुम लोगों ने चेनसॉ मैन नहीं देखा है तो भाई एपिसोड 1 आ गया है, मिस मत करो, चेनसॉ मैन को देखो। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों नहीं देख रहे चेनसॉ मैन को? देखो भाई जाके, सच में भाई ये इस साल का सबसे बेस्ट एनिमे हो सकता है। और अब मैं बात करूं एक्शन के बारे में, भाई एक्शन में तो मापा स्टूडियोज ने कोई कमी नहीं छोड़ी। देखो मांगा पढ़ने में जितना मजा आता है ना वो तो सच बात है, मांगा पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन उस चीज को एनिमेशन में क्रिएट होते हुए देखना हो, और भाई वो भी मापा स्टूडियोज के हाथ से, वो भी सीजी के साथ 2D मिक्स, वो चीज धमाकेदार चीज है। कि मांगा पेजेस में एक्शन सीन नहीं होते, फ्रेम होता है, सीन बाय सीन नहीं होते, उसके अंदर एक पेज होता है और उसी हिसाब से हम लोगों को सोचना होता है कि किस टाइप का एक्शन चल रहा है। लेकिन भाई फर्स्ट एपिसोड का जो एक्शन था वो मैंने मांगा के अंदर देखा है, तो भाई वो चीज देख के तो मुझे एनिमे के अंदर ज्यादा ही मजा आया। और अगर एक्शन की बात हो रही है तो इसके ब्लड वगैरह की बात करनी चाहिए कि इस एनिमे के अंदर सेंसरशिप कैसी है। भाई सलाम ठोको मापा स्टूडियोज को, क्योंकि मापा स्टूडियोज ने इसके अंदर कोई सेंसरशिप नहीं दी है। और सच में यार जापान क्या है, जापान में क्या चीजें चल रही है, टीवी के ऊपर बिना सेंसरशिप के ये चीजें दिखाई जाती है। भाई मुझे कोई जापान का केबल कनेक्शन दिला दो यार। लेकिन यार सच में मापा स्टूडियोज को हैट्स ऑफ के, उन्होंने यार बिल्कुल भी कोई सेंसरशिप नहीं दी, और मैं चाहूंगा कि मापा स्टूडियो इस चीज को कंटिन्यू रखे और आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर वो वाले जो सीन है ना, वो वाले समझ रहे हो, वो कटने नहीं चाहिए। और अगर उसके अंदर कोई सेंसरशिप हुई तो सीधा जापान पहुंच जाऊंगा बैठ के, मापा स्टूडियोज के पास कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर, जो मांगा के अंदर है वही पूरा दिखाना। नहीं यार वो तो बस मेरा छोटा सा मजाक था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यार मैं सच में बोलूंगा मापा कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए यार आगे आने वाले जितने भी एपिसोड्स हैं, क्योंकि इस एपिसोड को देख के तो यार सच में उम्मीद बन गई है कि अगर सेंसरशिप नहीं हुई और वैसा ही कॉमेडी फन मिला चेनसॉ मैन एनिमे के अंदर जो चेनसॉ मैन की मांगा के अंदर देखने को मिलेगा, तो यार बहुत मजा आएगा अगर कोई सेंसरशिप नहीं हुई उन सीन्स के अंदर। सच में यार मापा स्टूडियोज ने बहुत अच्छा काम किया चेनसॉ मैन के पर, और इसलिए मापा स्टूडियोज को ताली तो मिलनी चाहिए, अप्रिशिएट, बहुत अच्छी चीज।
मजा ही आ गया भाई, मापा स्टूडियोस मजा ही आ गया। और सच में यार मैं तो भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आगे आने वाले एपिसोड्स को लेकर। और टोटल चेन्सो मैन के 12 एपिसोड्स ही आएंगे, तो यार अभी भी 11 हफ्ते हैं। तुम लोगों ने चेन्सो मैन देखने का सोचा नहीं है तो भाई जल्दी सोच लो, क्योंकि अगर एक बार ये टाइम निकल गया ना तो भाई स्पॉइलर आने शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बाद तुम लोग चेन्सो मैन देख नहीं पाओगे। तो इसलिए यार अभी चेन्सो मैन को जाके देखो, सच में चेन्सो मैन देख के बहुत मजा आएगा। और क्योंकि मुझे तो यार पहला एपिसोड देख के बहुत मजा आया और मैं एक्साइटेड हूँ अगले एपिसोड्स के लिए। और अगले एपिसोड्स में यार मुझे वाला सीन देखना है जब पावर और मिस माकी डेंजी को गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट यार काश मुझे भी मिलता। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर तुम लोगों ने चेन्सो मैन देखा है तो भाई कमेंट्स में यार मुझे जरूर बताना। और हाँ, चैनल को यार सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि यार हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब है 100 सब्सक्राइबर को हिट करने के। टोटल 85 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो यार जल्दी से ये छोटा सा टारगेट पूरा करवा दो यार। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को यार सबको चैनल का लिंक शेयर करो, उनको बोलो यार सर सब्सक्राइब ही तो करना है, तो यार सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करवाओ। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नए किसी वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।